आप बात करिएगा ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम बसीला ग्राम पंचायत बसीला से, प्रधान पद है। प्रधान पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप खड़े हैं या आपके परिवार खड़े हैं? खुद खड़े हैं। क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार सिंह। पहली बार लड़ रहे हैं या इसके पहली पहले भी? 5 साल मेंबर रहे तो मेंबरी में कार हुआ नहीं उस तरह, सीट सामान है, समान सीट अवसर है। कितने लोग खड़े हैं आपके गांव से? 22। 22 में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार प्रधान पद के लिए लड़ रहे हैं? टोटल लगभग पहली बार उनके पिताजी रहे, बुजुर्ग लोग रहे। तो क्या सोचा है आपने कि आप अगर जीत जाएंगे तो क्या क्या विकास करवाएंगे? विकास करना है, बहुत तेजी से करना है विकास, गरीबों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। हम ठाकुर परिवार से हैं लेकिन हमने गरीबी को देखा है और बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो, तो बोलिए ना। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ना। उत्तर नहीं हमारे पास। क्या क्या काम करेंगे? अब क्या क्या कार्य होते हैं वो आप जानते हैं, क्या करेंगे वो तो अपने मन में है। उसके अलावा भी आपने कुछ सोचा है कि आप अपनी ग्राम सभा के लिए कुछ और करवाएंगे? और बहुत कुछ करवाना है, जो भी योजनाएं हैं जितनी भी हैं उसको हम देना चाहते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाना चाहते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आती है। प्रेस से है, हम प्रेस में भी बनना चाहते हैं। वहाँ इतना जो है राजनीतिक तत्व वहाँ बहुत क्षेत्र था, वो विकास हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन अब जो योजना है वो लाभ मिलता नहीं लोगों को। लेखपाल और सचिव प्रधान जैसी प्रधान था, पुराने कुछ बुजुर्गों के ठाकुर लोग हैं उनकी वजह से वो कर नहीं पाया। पंचायत मित्र हैं भाई साहब, वो जो है पूरा कारोबार अपने अंदर में लिए रहे। अच्छा। और योजनाओं को लाभ नहीं दिए क्रम गरीबों को। इसके पहले कौन प्रधान थे वहाँ? इसके पहले थे चुन्नीलाल। वो किस जाति से थे? हरिजन थे, एससी का, एससी सीट थी। अच्छा। इसके पहले ओबीसी अंगत वाइज। अच्छा। कितने सालों के बाद समान सीट आई है? नहीं, समान तो पिछले उसमें थी लेकिन दसवीं राज था वही 10 साल रहे, उनका भाई था। अच्छा। और उनकी वाइफ रही। अच्छा। जागरूक नहीं, जनता को जागरूक करते हुए आ रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है,